हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। बात उस गांव की जिसे गोद लिया गया और गंदा छोड़ दिया गया। गांव को गोद लिया बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने, लेकिन जितने वादे और दावे किए थे वो खोखले दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हर सांसद को गांव देकर एक नई पहल तो की, लेकिन गोद लेने वाले सांसद इन गांवों में क्या कर पाए इसका हिसाब उन्होंने कभी नहीं रखा। अगर हिसाब रखा होता तो शायद सांसद रतनलाल कटारिया के गांव का यह हाल ना होता। स्वागत है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत रतनलाल कटारिया के गोद लिए गए गांव यमुनानगर के खजूरी में, जहां गंदगी का अंबार और बदबू भरे नाले आपके स्वागत में पलके बिछाए बैठे हैं। अब पहले देखिए इन तस्वीरों को और गौर फरमाइए यहां लगे बोर्ड पर साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा गया है। एक बार आप भी पढ़िए ध्यान से, क्योंकि ध्यान देना बेहद जरूरी है। गंदगी फैलाने से वातावरण ही नहीं आत्मा भी मैली होती है। तो पढ़ा आपने ज्ञान का ये पाठ, गंदगी से आत्मा भी मैली होती है। साहब आत्मा का तो नहीं पता, लेकिन ये गांव कूड़े करकट से पूरी तरह से मैला हो चुका है। कटारिया साहब, आपका गांव कचरे में समा रहा है, गोद लिया गांव गंदगी में तब्दील हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। रास्ता मच्छर खावे, गरीब आदमी पड़े अपना सड़क के धोरे में अपना खावा गंद, ऊपर से भी आवा सारा कुरड़िया घेर रखी, क्यों ना वहां भी क्या करना, उन्हें जगह नहीं मिल रही, कबाड़ घेरने कुरड़िया नहीं है, बताओ क्या करें, गुब्बारे रखे गोबर रखे क्या। तो देखा आपने स्वच्छ भारत अभियान की एक अलग तस्वीर, ये उस गांव की तस्वीर है जिसे बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने गोद लिया, लेकिन अपने वादों और दावों की तरह वो इस गांव को भी कहीं भूल से गए हैं। तभी तो जिस गांव को उज्जवल करना था, जहां विकास कराना था, आज वही गांव गंदगी के साय में सिमट कर रह गया है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।